नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज तीन राशि की मैं बात करने वाला हूं जिसको शाला साथी लगने वाली है, कौन से चरण में लगने वाली है, क्या लाभ होगा या नुकसान होगा, आपको क्या उपाय करने चाहिए, पूरा विस्तार आज आपके सामने रखने वाला हूं। ये तीन राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि है। ये तीन राशि के लिए ये वीडियो पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो पूरा सुनिए, क्या शनि महाराज से आपको लाभ होगा या नुकसान होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां मकर राशि की। मकर राशि में सारा साथी जो चल रही है वो तीसरे चरण में चल रही है और शनि महाराज बकरी है वो मार्गी होंगे 4 नवंबर से 2023 से, और फिर 30 जून तक वो मार्गी रहेंगे और 30 जून के बाद वो वक्री होंगे। वक्री क्या है और मार्गी क्या है दोनों पूरा आप सुनिए। वक्री माने अपनी चाल से वो नहीं चलना, उसको वक्री कहते हैं, या सही चाल चलना है, ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है उसको मार्गी कहते हैं। दोस्तों शनि महाराज यहां 4 नवंबर से मार्गी होंगे तो आपकी राशि ऊपर क्या असर रह सकता है। सबसे पहले हम मकर राशि की बात करें तो शनि महाराज यहां आपके तीसरे चरण में रहेंगे और दूसरे भाव में रहेंगे। आप पहले जो काम कर रहे थे और उस काम से आपको संतोष नहीं हो रहा था, वो काम शनि महाराज की कृपा से जरूर परिपूर्ण होंगे। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में आपकी शनि की स्थिति क्या है वो भी देखना बहुत ही आवश्यक है। जो बात मैं रख रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं। आपके शनि महाराज नीच भाव में है, पाप ग्रह के साथ युति है, वो आपको देखना आवश्यक है। लेकिन मकर राशि के जातक, ऐसे तो मकर राशि है शनि के स्वामी माने गए, तो मकर राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में शनि आने के कारण धन लाभ जरूर होगा। लेकिन आपको यहां सावधानी कहां रखनी चाहिए तो अपने व्यवहार में आपको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी न्याय के साथ आपको चलना चाहिए। आपके वाणी में सुधार होगा, जो पहले आप बोल नहीं पा रहे थे, जो बोलना चाहते थे वो बोल नहीं पा रहे थे, अब आप जरूर उस कार्य में सफल होंगे। दूसरा भाव जन्म कुंडली में धन भाव माना गया है, परिवार का भाव माना गया है और वाणी का भाव माना गया है। आपके परिवार में जो अनबन चल रही थी, जो मतभेद हो रहे थे, जो एक दूसरे को समझने में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, और शनि भगवान की कृपा से परिवार में जो अनबन चल रही थी दूर होगी, विचार एक होंगे और एक परिवार में प्रेम बनेगा। साथ ही आप जो बिजनेस कर रहे थे लेकिन बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, आपके बिजनेस में आप सफल नहीं हो रहे थे, लेकिन इसी समय जब मार्गी होंगे तब आपके बिजनेस में भी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों उपाय मैं लास्ट में दूंगा, वो उपाय आप जरूर करें, आपके लिए शनि भगवान की विशेष कृपा होगी। ये मैंने बताया है मकर राशि के जातकों के लिए। और दो राशि है कुंभ राशि और मीन राशि। ये दो राशि की मैं बात आगे करूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों लाइक जरूर दीजिए। ये सारी बातें मैं चंद्र राशि के आधार पर कर रहा हूं। अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है यहां व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसी नंबर पे आप संपर्क करें, एसएमएस करें, आपको जन्म कुंडली भेजी जाएगी। उनसे पूर्व आपको दक्षिणा भेजनी होगी और ज्योतिष देखने का जो समय है, अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है, वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है
शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करें, उसी समय आप बातचीत करें, उसी समय एसएमएस करें, आपकी सारी बातें जरूर सुनी जाएगी, शास्त्रोक्त उपाय आपको बताए जाएंगे, सरल उपाय भी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों अब मैं दूसरी राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में ही शनि महाराज प्रवेश करेंगे और जो शाला साथी है कुंभ राशि के लिए दूसरा चरण चलेगा। शनि महाराज अपने ही भाव में आ रहे हैं तो सबसे पहला आपको आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। आप जो कार्य आपका रुक गया था, आपका मन स्थिर नहीं हो रहा था, वो मन भी स्थिर होगा और आपके रुके हुए काम भी जरूर आगे बढ़ेंगे। शनि महाराज की सातवीं दृष्टि है वो सातवें भाव में है तो यहां आपके पति पत्नी के बीच जो अनबन चल रही थी, झगड़े हो रहे थे, उसमें भी प्यार बढ़ेगा। अनबन चल रही थी, विचार एक होंगे। शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव में हो रही है, कर्म भाव माना गया है तो यहां आपके कर्म भी आगे बढ़ेंगे, आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ये शाला साथी में आपको सावधानी यह रखनी है कि आपको अन्याय में साथ नहीं देना है, अन्याय का काम नहीं करना है और उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए, तब शनि महाराज की विशेष कृपा होगी, आपको उपाय भी मैं जरूर प्रदान करूंगा। अब जो मैं बात करने वाला हूं मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए शनि महाराज 12वें घर में रहेंगे और प्रथम चरण रहेगा तो यहां आपको पूरा ध्यान रखना होगा आपके खर्चों पे, आय से ज्यादा व्यय ना हो जाए, इस बात को पूरा यहां संभलना होगा। साथ ही शनि महाराज की जो दृष्टि है वो षष्ठम भाव में है, पहले भी आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अभी भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वो आपके सहकर्मचारी है, उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए तभी आपका यहां प्रमोशन आगे बढ़ सकता है, नौकरी में आप आगे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर ध्यान देना होगा, अपने आप यात्रा जरूर होगी, यात्रा के साथ आपको खाने में रहने में पूरा ध्यान देना होगा वरना यहां आप बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं, पूरा संभल के आपको रहना होगा। मीन राशि के जातक को लिए पूरा संभलना होगा। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने व्यवहार में आपको सुधार करना होगा, आपको किसी के साथ प्यार भरा व्यवहार करना होगा, आप 3 लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके बुजुर्ग है उसका कभी भी अपमान मत कीजिए, आपकी पत्नी है, अपनी बहन है, आपकी माँ है, जो स्त्री है सभी का आपको प्यार से यहां व्यवहार करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। गरीब लोग है, मजबूर है, इन लोगों का अपमान मत कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए, शनि महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। दूसरा उपाय मैं दे रहा हूं, आप प्रतिदिन शनि भगवान का आप चरणों की सेवा कीजिए, शनि चालीसा का प्रतिदिन एक पाठ करें, साथ ही हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा का भी एक पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन आप काली वस्तु का दान करें, उड़द का दान करें, लोहे का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन विद्यार्थी बंधुओं के लिए कुछ पुस्तक का दान करें, तेल का दान करें, साथ ही अपनी जन्म कुंडली दिखा के शनि का रत्न भी धारण कर सकते हैं, पहले आपको जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। साथ ही शनि भगवान का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम शह शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जरूर करें। दोस्तों उपाय भी करें, आपके जीवन में शनि भगवान की कृपा जरूर होगी।
आप सभी को मेरा साथी दोस्तों एक बात रह गई, आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं, पेज में देख रहे हैं, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फेसबुक आप फॉलो जरूर कीजिए, यहां आपको आईडी दी जाएगी। साथ ही ये यूट्यूब में देख रहे हैं तभी भी आप जरूर ओम शनिश्चराय नमः कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण महादेव हर।